नमस्कार, मैं हूं आरती। खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अबू बकर अल बगदादी भले ही मारा गया हो, लेकिन ये आतंकी संगठन अब भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ये खुलासा किया है खुद बगदादी को उसकी 72,000 हूरों के पास भेजने वाले अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि बगदादी की मौत के बाद भी आईएसआईएस संगठन का खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों में ये आतंकी संगठन पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया भर में आईएस की 20 शाखाएं काम कर रही हैं, जिनके निशाने पर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ाई को एक मिशन बना लिया है। इन देशों में भारत भी शामिल है। अमेरिका की माने तो भारत को आईएस आतंकियों की हिट लिस्ट में रखा गया है। भारत को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दक्षिण एशिया में खुले आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप को दी गई है, जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रीय आतंक निरोधक सेंटर के कार्यकारी निदेशक रशेल ट्रेवर्स ने दी है। दरअसल अमेरिकी संसद की सीनेटर मैगी हसन ने ट्रेवर्स से सवाल किया था कि आईएसआईएसके की ताकत क्या है। वो पिछले महीने पाकिस्तान और अफगानिस्तान यात्रा पर गई थी, जहां उन्हें इसके खतरे को लेकर जानकारी मिली थी। हसन ने सवाल किया कि मैंने सुना है कि आईएसआईएसके अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा भी हो सकता है। इसका जवाब देते हुए ट्रेवर्स ने कहा कि आईएस के सभी गुटों में से आईएसआईएसके अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये आतंकी गुट प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये गुट निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के बाहर हमले करने की कोशिश में है। उन्होंने पिछले साल भारत में भी आत्मघाती हमले की साजिश रची थी, लेकिन वे नाकाम रहे। Last month, I traveled to Afghanistan and Pakistan and heard firsthand the concerns of our military and embassy personnel about the growing and very real threat of ISIS-K, the ISIS affiliate in Afghanistan. I heard clearly that ISIS-K threatens not only U.S. forces in Afghanistan, but also has designs on striking the U.S. homeland. You said last week that there are more than 20 ISIS branches globally, some of which are using sophisticated technologies such as drones to conduct operations. Despite our key victories against ISIS in Syria and Iraq, ISIS as a global terrorist organization remains a deadly threat to the United States. Director Travers, we know that ISIS-K and other affiliates of ISIS want to strike the U.S. homeland. Please tell us more about their ability to do this and what we are doing to mitigate this threat. Thanks for the question, Senator. Yes, of all of the branches and networks of ISIS, ISIS-K is certainly one of those of most concern, probably in the neighborhood of 4,000 individuals or so. We certainly share the concerns of both the U.S. military and the embassy in theater. They have attempted to certainly inspire attacks outside of Afghanistan. They attempted last year to conduct a suicide attack in India. It failed. They've actually tried a couple of years ago, I think, to inspire an attack against New York that the FBI interrupted. And there was an attack in Stockholm in 2017, I believe, that killed 5 people. So they certainly have got a desire, and the propaganda would indicate that they want to conduct attacks outside of Afghanistan, thus far relatively limited. I would say that we saw attack claims by ISIS-K ramping up throughout 16, 17, 18, somewhat lower at the beginning of this year, although now I think we're looking at about an attack a day or so. Yeah. And interestingly, only about an hour and a half ago, they were the latest ISIS branch to declare allegiance to the new head of ISIS. भारत को इस संगठन के खुरासान मॉड्यूल से खतरा है। पिछले कुछ दिनों में देश में कई ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं जो खुरासान से ताल्लुक रखते थे। ये मॉड्यूल भारत समेत ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों में काम करता है। खुरासान का मतलब है वो जगह जहां से सूरज उगता है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स के एक ऑपरेशन में आईएसआईएस के सरगना बगदादी मारा गया है। बगदादी ने खुद को अमेरिकी सैनिकों से घिरा पाकर बम से उड़ा लिया था। यही नहीं, सोमवार को बगदादी की बहन रस्मिया को भी तुर्की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बावजूद इसके ये आतंकी संगठन अब भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। उसके निशाने पर अब भारत भी बना हुआ है।